हेलो बच्चों, मेरा नाम अजय निगम, मैं लक्ष्य इंस्टीट्यूट में एज ए फैकल्टी पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि मेरी पहली क्लास देखा होगा और आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को फेज और फेज डिफरेंस के बारे में बताया था और फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना होता है इसके बारे में बताया था। तो आज हम आगे पढ़ेंगे, जो कि हम बताया था आपको, जैसे कि हमने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे थे। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में सबसे पहले मैंने पढ़ा था कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, कि मैंने बताया था कि कोई भी ऐसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो टाइम के साथ क्या होती है, चेंज होती है। जिससे मैंने करंट या वोल्टेज का एग्जांपल दिया था, करंट या वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, टाइम के साथ चेंज होते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। तो ये चीज़ पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, कि करंट को और वोल्टेज को किस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद हमने फेज और फेज डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। फेज डिफरेंस मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन करके दिखाया भी था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, कि जो हमारा करंट है, जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि करंट है, अगर आई इक्वल टू मान लो ले लिया हमने क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, हम बताए थे कि करंट कुछ इस तरीके से साइनसॉइडली वेरी करता है। यहाँ पे क्या होगा, टाइम होगा, यहाँ पे क्या होगा, आई होगा या वी नॉट होगा, वी होगा। ठीक है, वोल्टेज होगा या करंट होगा। तो आज हम जो बच्चों पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि ये जो एक साइकिल पूरा करने में, हमने ये भी बताया था कि कितना जो टाइम पीरियड लगता है उसको पूरा कंप्लीट जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड का मैंने फार्मूला बताया था, टी इक्वल टू कितना, 2π/ω बताया था। ठीक है, और जो मैंने इक्वेशन भी बताया था कि इक्वेशन किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, और एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया था कि ये तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि ये पॉजिटिव हाफ होता है, ये नेगेटिव हाफ होता है। पॉजिटिव हाफ में जो है करंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, नेगेटिव हाफ में जो वैल्यू आती है करंट की वो नेगेटिव आती है। तो टोटल जो करंट होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर अ फुल साइकिल जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, जीरो होता है ओवर ए फुल साइकिल। इस कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अगर इसको हम कैलकुलेट करके दिखा भी सकते हैं और यहाँ ग्राफ से भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आएगी वो आई नॉट आएगा प्लस में, और यहाँ पे जो आएगा माइनस आई नॉट आएगा। जब हम सम करेंगे तो प्लस और माइनस जो है कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों आज हम यही देखेंगे कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट में बच्चों सबसे पहले जो फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम देखते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। अच्छा, एवरेज का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे सबसे पहले ये जान लेना है कि एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था कि जैसे एक से लेके पाँच तक संख्याएं हैं, उसको पाँच से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो यहीं पे हमें क्या करना है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने साइन का दिखाया करंट का भी, तो वो पॉजिटिव हाफ निगेटिव हाफ मिला के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट होता है, आई एवरेज इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे होगा जीरो से टी, ठीक है, आई डी टी अपान में इंटीग्रेशन जीरो से टी इंटू डी टी। ये फार्मूला होता है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। एक फार्मूला और होता है बच्चों, वो फार्मूला होता है ग्राफ के टर्म में अगर हमें वैल्यू निकालना होगा, तो यहाँ होगा एरिया अंडर आई टी कर्व। आई टी कर्व मतलब कि टाइम और करंट का जो कर्व होगा वो अपान में टाइम इंटरवल। ठीक है, अपान में टाइम इंटरवल, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, ये एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का फार्मूला होता है। अगर यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकालना ऑफ करंट निकालना है तो एवरेज वैल्यू आई एवरेज लिखेंगे, अगर वी एवरेज निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, वी एवरेज लिखेंगे, यहाँ पे वी डी टी अपान वी डी टी कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि आई एवरेज जो है ये फुल साइकिल के लिए कितना होगा बच्चों। ठीक है, फुल साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट होता है वो कितना होता है, जीरो। ठीक है, हम जो कैलकुलेट करेंगे वो हाफ साइकिल के लिए करेंगे। ठीक है, हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर फुल साइकिल हमें क्या होता है, जीरो होता है, ये पता है। ठीक है, ये पता है, और इसका डेरिवेशन नहीं कराएंगे बच्चों, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालेंगे। फुल साइकिल के लिए भी निकाल सकते हो, मैं बता दूंगा कि कैसे करना है, लेकिन पहले हम यहाँ पे देखते हैं हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है, इस फार्मूले को नोट कर लेना। ठीक है, इसी फार्मूले पे आएगा। चलो,
हम देखते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल, ठीक है, फॉर हाफ साइकिल। अब यहाँ पे देखो, फॉर हाफ साइकिल के लिए जो है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो निकालेंगे, इंटीग्रेशन जीरो से टी बाई टू आई डी टी अपान में जीरो से टी बाई टू डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों जो हम आई की वैल्यू लेंगे, आई इज इक्वल टू क्या लेंगे, आई इज इक्वल टू लेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये लेंगे करंट का इक्वेशन। इसको रखेंगे बच्चों जीरो से कितना टी बाई टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कितना डी टी अपान में, बच्चों देखो क्या है, इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे जीरो से टी बाई टू डी टी करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा टी बाई टू। हम क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो करना क्या है हमें, अब इस टी बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, टू अपान में टी इंटीग्रेशन जीरो से टी हाफ आई नॉट हमारा कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेते हैं साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस टू अपान में टी आई नॉट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी, लिमिट रखेंगे कहाँ से कहाँ तक बच्चों, जीरो से टी बाई टू तक। यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे साइन अगर मान लो कि यहाँ पे ए इंटू इस तरीके से ले लो साइन ओमेगा टी है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कास ओमेगा टी हो जाएगा इंटू ओमेगा टी का जो ये टर्म होता है, यहाँ पे जो ओमेगा टी होता है इसमें से ओमेगा टी का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ये वन अपान में ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, देखो फिर से साइन ओमेगा टी इंटू डी टी किया, तो हम क्या करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कास ओमेगा टी, और जो ओमेगा टी होगा वो ओमेगा क्या टी के साथ में जो ओमेगा होगा वो ओमेगा नीचे आ जाएगा, हम यहाँ पे क्या कर लिए, नीचे कर लिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, अब हमने क्या किया, माइनस टू आई नॉट अपान में टी इंटू ओमेगा, ये हो गया हमारा कास ओमेगा इंटू कितना टी बाई टू माइनस कितना कास जीरो, लिमिट रख दिया बच्चों, अपर लिमिट और लोअर लिमिट इस तरीके से रख दिया। अब देखो टी बराबर क्या होता है, टी बराबर टू पाई बाई ओमेगा होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे टी की वैल्यू रखेंगे, तो ये जो आई एवरेज मिलेगा हमें बच्चों हाफ साइकिल के लिए वो मिलेगा टू आई नॉट माइनस में अपान में टू पाई बाई ओमेगा, ऊपर लिख दिया नीचे ओमेगा, ये जो टी की जो वैल्यू टू पाई बाई ओमेगा है, ओमेगा हमने क्या कर दिया, ऊपर लेकर रख दिया, ठीक है। उसके बाद हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कास ओमेगा इंटू टी हाफ है, ओमेगा इंटू टू पाई बाई कितना ओमेगा इंटू टू, ठीक है, और यहाँ पे माइनस कितना है कास जीरो है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कास जीरो के वैल्यू कितना होता है बच्चों, कास जीरो के वैल्यू वन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ओमेगा को ओमेगा से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे इसको इससे कैंसिल करेंगे, टू को टू से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे टू को टू से कैंसिल करेंगे, बचेगा क्या देखो, माइनस आई नॉट अपान में कितना पाई बचेगा, यहाँ से बचा कितना कास पाई बचा, कितना बचा कास पाई माइनस कास जीरो। अब देखो बच्चा साइन जीरो की वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, कास जीरो की वैल्यू कितना होगा, वन होगा, ठीक है, तो माइनस आई नॉट अपान में पाई, यहाँ पे कास पाई की वैल्यू माइनस वन हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस टू हो जाएगा, तो माइनस आई नॉट अपान में पाई ये कितना हो जाएगा, माइनस टू, ये यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू आई नॉट अपान में पाई। ये आई एवरेज का फार्मूला होता है किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए, किसके लिए बच्चों, हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, ये इस तरीके से निकाला जाता है। अगर वहीं पे देखो, अभी मैंने जो है फुल साइकिल के लिए करके दिखाया नहीं था, ठीक है, मैंने बता दिया था कि फुल साइकिल के लिए जो फार्मूला होगा वो आई एवरेज जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, किसके लिए बच्चों, फुल साइकिल के लिए। लेकिन अगर हमें यहीं पे डेरिवेशन इसका करना होता तो हम क्या करते, आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से टी करते, वहाँ पे कितना कर रहे थे, टी हाफ कर रहे थे, टी हाफ क्यों कर रहे थे, जरा देखना यहाँ पे ध्यान से बच्चों, यहाँ पे जो हमने ग्राफ बनाया साइन के टर्म में लिया, जो हमने इक्वेशन लिया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हाफ साइकिल के लिया, तो बच्चों यहाँ पे जी टी बराबर जीरो से लेके ये कितना हो गया टी बाई टू, और ये कितना हो गया टी हो गया। हम अगर पॉजिटिव एक हाफ साइकिल के लिए ले रहे हैं तो हाफ साइकिल के लिए हमने क्या किया, जीरो से टी बाई टू किया, यहाँ पे जीरो से कितना टी बाई टू किया बच्चों। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आई है, ठीक है। अगर निगेटिव हाफ साइकिल के लिए करना होता तो हम क्या करते हैं, टी बाई टू से लेके कहाँ तक कर देते, टी तक कर देते, यहाँ पे जीरो की जगह कितना लिखते टी बाई टू, और टी बाई टू की जगह कितना लिख देते टी, वही चीज़ यहाँ पे लिमिट रखते। अब हम देखो यहाँ पे करेंगे कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट अगर हमें निकालना हो फॉर फुल साइकिल, तो हम क्या करेंगे, आई डी टी अपान में कितना बच्चों, जीरो से टी इंटू कितना डी टी। अब इसका वैल्यू हमें पता है कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, वन अपान में टी इंटीग्रेशन, इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों,
अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1/t, उसके बाद ये बच्चे इसकी वैल्यू हम रखेंगे, ये हो जाएगा कितना, 0 से कितना t i नॉट साइन ओमेगा t इंटू कितना बच्चों dt हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो t की वैल्यू रख दे रहे हैं 2π/ω, तो ये हो जाएगा ओमेगा अपान में 2 इंटीग्रेशन 0 से कितना 2π/ω, i नॉट बाहर ले लिया, ये बच्चा कितना साइन ओमेगा t इंटू कितना बच्चों dt। अब साइन ओमेगा t का वैल्यू हमें पता है, इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा माइनस कास ओमेगा टी अपान में कितना बच्चों ओमेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2π/ω तक इसको लिमिट लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस चीज़ को यहाँ पे देखो ओमेगा आई नॉट अपान में कितना 2π/ω, इस ओमेगा को बाहर ला रहे हैं, माइनस को भी हम क्या कर रहे हैं बाहर ला रहे हैं, तो बच्चा क्या बच्चों हमारे पास कास ओमेगा इंटू यहाँ पे टी की वैल्यू रख दे रहे हैं 2π/ कितना ओमेगा माइनस कितना बच्चों कास 0, कास 0 के वैल्यू कितना होता है बच्चों 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ ओमेगा ओमेगा से कैंसिल हो गया, कास 2π की वैल्यू कितना होता है, देखो कास की वैल्यू अगर नहीं पता है तो कास n π = होता है -1/n, ये फार्मूला है याद रखना। ठीक है, और साइन n π की वैल्यू कितना होता है बच्चों 0 होता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है बात कि बच्चों n की वैल्यू अगर इवन होगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगा, n की वैल्यू ऑड होगा तो यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखो कास कितना बच रहा है, कास 2π बच रहा है, मतलब कि n की वैल्यू इवन है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1 आएगा, ये 1 - 1 बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एवरेज वैल्यू जो ऑफ करंट हमने बोला था फॉर फुल साइकिल के लिए वो कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर फुल साइकिल कितना हो जाएगा 0, जो मैंने अभी बता दिया था कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर फुल साइकिल 0 होता है, वो कैसे 0 होता है मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया है। और दूसरी चीज़ हमने निकाल के यहाँ पे दिखाया कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए कितना होता है 2i0/π। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, चलो इतनी बात समझ में आ गई तो हम देखेंगे अगला चीज़ जो है RMS वैल्यू। ठीक है, RMS वैल्यू क्या होता है, तो RMS वैल्यू जो होता है बच्चों, तो इसको एक लाइन में अगर देखें तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट होता है। क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट होता है। ठीक है बच्चों, इसमें एक चीज हम देखेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है। सबसे पहले देखो एक चीज़ और ध्यान देना बच्चों, जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट होता है इसको कहीं कहीं पे मीन वैल्यू भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मीन वैल्यू। तो ये कंफ्यूज मत होना, एवरेज वैल्यू जो होता है एवरेज वैल्यू को मीन वैल्यू भी बोला जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो एवरेज वैल्यू पढ़ाया था लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में या कहीं पे पूछ लिया कि मीन वैल्यू कैलकुलेट करो, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ेंगे बच्चों, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू तो हमने देख लिया, अब हम पढ़ेंगे RMS वैल्यू। ठीक है, RMS वैल्यू में जो होता है इसका डिफिनीशन होता है कि RMS वैल्यू का मतलब होता है RMS वैल्यू, RMS वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज। ठीक है, अच्छा जैसे बच्चों मैंने एक चीज़ बताया था कि यहाँ पे करंट का तो बता दिया कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या एवरेज वैल्यू ऑफ फुल साइकिल के लिए तो या हाफ साइकिल के लिए, उसी तरीके से जो वोल्टेज होता है बच्चों, वोल्टेज को भी हम निकाल सकते हैं फॉर हाफ साइकिल या फुल साइकिल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि RMS वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है बच्चों, RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होता है बच्चों वो किस तरीके से निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होता है वो होता है आई आर एम एस जो होता है रूट अंडर होता है i1² + i2² - (in² / n). ठीक है, कितना हो जाएगा अपान में n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बात समझो आगे, तो इसका जो फार्मूला होता है इसका फार्मूला हो जाएगा √i²² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √i²² हो जाएगा। इसको कुछ इस तरीके से करेंगे बच्चों कि जो हम इसका IRMS निकालते हैं, IRMS इसको जो निकालेंगे वो निकालेंगे √ फार्मूला देख लेते हैं, 0 से t i² dt अपान में 0 से t dt। ठीक है, 0 से t dt निकालेंगे। अब देखो बच्चों, अब यहीं पे हमें रख के निकालना है। ठीक है, करंट का जो RMS वैल्यू होता है उसको निकालना है। i = क्या रखेंगे बच्चों, i0 sin ω t। ठीक है, ये थोड़ा लंबा डेरिवेशन होगा तो बच्चों आज हम इसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है
देखते हैं कैसे आता है। ये फार्मूला ध्यान रखना, ये किसका फार्मूला है? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का फार्मूला है, ठीक है। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का ये फार्मूला है जिसमें हम आई कोई वैल्यू ले लेते हैं। आई इक्वल टू मान लो आई नॉट साइन ओमेगा टी ले लिया, ठीक है। आई इक्वल टू क्या ले लिया? आई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। आई आरएमएस इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर में आई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी अपान में, बच्चों ये होल ओवर रूट है, अपान में कितना इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगेगा जीरो से टी, जीरो से टी इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू कितना आएगा? टी आएगा, टी आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? देखो ज़रा ध्यान से, ये हो जाएगा जीरो से टी आई नाट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपान में कितना हो जाएगा बच्चों? टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें कॉमन लेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कि स्क्वायर रूट जो है, ओवरऑल जो स्क्वायर रूट है, इसको अभी हम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। इसको लास्ट में लगा देंगे, ये लास्ट में तक रहेगा, या चलो देखते हैं, करते चलते हैं, ठीक है। ये मान लो है, अब देखो जीरो से ये वन बाई टी बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन जीरो से टी की वैल्यू हम रख दे रहे हैं कितना? टू पाई बाई ओमेगा। आई नाट स्क्वायर हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर ले रहे हैं। बचा क्या हमारे पास? साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब एक चीज़ ध्यान से देखना बच्चों, ये जो हमारा वैल्यू है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको चेंज करना होगा। कैसे चेंज करोगे? कॉस टू थीटा का फार्मूला पता होगा मेरे ख्याल से, नहीं पता है तो यहाँ पे देखो, कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना? साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम करेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना? वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये तो पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन आता है, तो वहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक पहले से साइन स्क्वायर थीटा है तो ये कितना हो गया? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कितना? कॉस टू थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा जो मिलेगा वो मिलेगा कितना बच्चों? वन माइनस कॉस टू थीटा अपान में कितना? टू। अब हम यही फार्मूला यहाँ पे प्लेस्ड करेंगे, यहाँ पे ओमेगा टी के टर्म में है तो हम ओमेगा टी के टर्म कर देंगे। वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी डिवाइड बाई बच्चों कितना? टू इंटू कितना? डी टी, ठीक है। इतनी बात मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे क्या बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर। चलो बच्चों यहाँ तक तो आप देख लिया। अब हम देखो क्या करेंगे, इसको जो है कुछ इस तरीके से करेंगे, ये आई नाट स्क्वायर अपान में ये जो टू है इसको बाहर ला रहे हैं, ये कितना हो जाएगा? टू टी इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई बाई ओमेगा, ये बचा कितना? वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी इंटू कितना? डी टी, ठीक है। अब इसको देखो क्या करेंगे, इसको आई नाट स्क्वायर अपान में कितना? टू टी, ठीक है, ये स्क्वायर रूट में ही रहेगा। इसको ब्रैकेट करते हैं, जीरो से टू पाई बाई ओमेगा इंटू कितना? डी टी माइनस जीरो से कितना? टू पाई बाई ओमेगा इंटू कितना? कॉस टू ओमेगा टी इंटू डी टी। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद का स्टेप हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो आई नाट स्क्वायर अपान में कितना? टू टी ब्रैकेट में। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों? टी हो जाएगा। टी का हम लिमिट रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? टी इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद वाला स्टेप देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। इंटीग्रेशन कॉस थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे देखो कॉस टू ओमेगा थीटा है तो ये माइनस है, इंटीग्रेशन करोगे इसका कॉस टू ओमेगा टी का कॉस टू थीटा का क्या होता है? साइन टू थीटा अपान में कितना? टू ओमेगा। कहाँ से कहाँ तक? जीरो से टू पाई बाई ओमेगा तक लिमिट रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फार्मूले को मिटा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि हमने क्या किया, आई आर एम एस जो निकाला वो कितना हो जाएगा? रूट अंडर बच्चों कितना? आई नाट स्क्वायर अपान में कितना? टू टी। ये बचा कितना? टू पाई बाई कितना? ओमेगा माइनस। अब देखो बच्चों, ये वन अपान में टू ओमेगा हमने क्या किया? बाहर कर लिया, बाहर कर लिया। उसके बाद हमने लिमिट रखेंगे, लिमिट क्या रखेंगे? साइन टू ओमेगा इंटू कितना? टू पाई बाई ओमेगा माइनस कितना? साइन जीरो, ठीक है। कितना समझ में आ गया? देखो अब क्या करना है, ओमेगा ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? रूट अंडर कितना बच्चों?
आई नाट स्क्वायर अपान कितना 2t, ये कितना हो गया 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 1 अपान में 2 ओमेगा ब्रैकेट में। मैंने बताया था साइन n फाई की वैल्यू जो होती है, n अगर हमारा n चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, साइन n फाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। यहाँ पे 2 या 4 पाई इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, जरा देखते हैं, आई नाट स्क्वायर अपान में कितना 2t, बचेगा कितना 2 पाई बाई ओमेगा बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे t की वैल्यू हम रखेंगे, t की वैल्यू रखते हैं तो जरा देखो क्या मिलेगा t की वैल्यू रखने पे, आई नाट स्क्वायर अपान में 2 इंटू 2 पाई, ये जो ओमेगा डिवाइड में है ओमेगा ऊपर ले गया, इंटू कितना 2 पाई अपान में कितना ओमेगा, ओमेगा ओमेगा इस कैंसिल, 2 पाई 2 पाई से कैंसिल। तो यहाँ पे इसको इस लाइन को मिटा रहे हैं बच्चों, इस वाले लाइन को, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, आई आर एम एस इजिकल टू क्या मिल जाएगा, रूट अंडर कितना आई नाट स्क्वायर अपान में कितना 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आई नाट अपान में रूट अंडर 2, यही तुम्हारा क्या होता है आई आर एम एस होता है, ये आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट है। इसी तरीके से हम वी आर एम एस निकालते हैं, वी आर एम एस जो होता है वो होता है वी नाट अपान में रूट 2। आई नाट और वी नाट क्या है बच्चों, आई नाट और वी नाट मैंने बताया था पहली क्लास में, पहले लेक्चर में, कि आई नाट और वी नाट जो होता है पीक करंट होता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जिसको एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक तो समझ में आ गया, अब देखते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। चलो बच्चों अब एक क्वेश्चन करते हैं कि आरएमएस वैल्यू हम करंट कैसे निकालें, अगर मान लो क्वेश्चन में दे दिया हमें तो हम उसको किस तरीके से निकालेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं कि द इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज आई इज इक्वल टू 50 रूट 2 साइन 400 पाई इंटू टी, ठीक है। ये इक्वेशन दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि ये एम्पियर में करंट दिया है तो करंट होगा तो किस में होगा, एम्पियर में होगा, ठीक है। एक इक्वेशन दिया है अल्टरनेटिंग करंट का और पूछ क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी एंड रूट मीन स्क्वायर ऑफ द करंट कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो कि एफ कितना होगा, ठीक है, और आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहा है, दो चीज़ें मुझसे पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। अब इस इक्वेशन को आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है बच्चों। जब साइन ओमेगा टी से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों, 400 पाई मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2 पाई एफ होता है, दैट इज इक्वल टू कितना 400 पाई, पाई पाई से कैंसिल हो गया, एफ इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों, 400 अपान में 2, ये कैंसिल होकर कितना मिलेगा बच्चों, 200 मिलेगा, कितना मिलेगा बच्चों, 200 मिलेगा, ठीक है। ये 200 हर्ट्ज होगा, क्या होगा बच्चों, हर्ट्ज होगा। एंड सेकंड थिंग क्या बच्चों पूछ रहा है, आई आर एम एस, तो हमने अभी बताया आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, आई नाट अपान में रूट 2 होता है। आई नाट की वैल्यू कितना दिया होगा बच्चों, यहाँ से कंपेयर करोगे तो कितना मिल जाएगा, 50 रूट 2 अपान में कितना रूट 2, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 50 एम्पियर, ये तुम्हारा क्या है बच्चों, आंसर है, ठीक है। तो सही करोगे, चलो बच्चे देखो हमने क्या क्या आज पढ़ा, हमने जो पढ़ा कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकाला, हमने हाफ साइकिल के लिए निकाला, ठीक है बच्चों। जैसे आज हमने आज की क्लास में देखो मैंने क्या क्या पढ़ा, पहले तो मैंने पढ़ा जो तुम लोगों को बताया कि करंट की वैल्यू निकालना, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट के बारे में पढ़ा, हाफ साइकिल के लिए पढ़ा, ठीक है। मैंने डेरिवेट करके दिखाया कि कितना होता है, 2 आई नॉट अपान में पाई होता है, ठीक है, एक चीज़ ये पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा बच्चों, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट हमने करके दिखाया, ठीक है, फुल साइकिल के लिए कितना होता है, जीरो होता है, फुल साइकिल के लिए कितना होता है, जीरो होता है, ये भी डेरिवेट करके दिखाया मैंने। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा बच्चों, आई आर एम एस की वैल्यू पढ़ा, आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट पढ़ा और वी आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट पढ़ा, ठीक है, पूरा दोनों मैंने क्या करके डेरिवेट करके दिखाया है। कहीं भी कोई बच्चों कुछ समझ में ना आ रहा हो, कोई डाउट हो, कोई और भी समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद का जो चीज़ है वो हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, ठीक है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू बच्चों।